नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 22 कैरेट की जब आप लोग ज्वेलरी बाई करने के लिए जाते हैं और हॉलमार्क ज्वेलरी बाई करने के लिए जाते हैं तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि 18 कैरेट ज्वेलरी का जो है कैलकुलेशन कैसे होता है। ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले ही चैनल पे डाला हुआ है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे उसमें जो है 18 कैरेट ज्वेलरी और 22 कैरेट ज्वेलरी अगर आप लोग बाई करते हैं तो दोनों में क्या फर्क होता है, इसका जो है समझने की डिफरेंस कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का जो है वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग आज मान के चलिए 24 कैरेट ज्वेलरी बाई करने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, तो 24 कैरेट का प्राइस आप लोग मान के चलिए कि 52,000 रुपीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो है प्राइस लेकर चल रहा हूँ, तो 52,000 रुपीज अगर प्राइस है तो 52,000 रुपीज का हम लोगों को कितना परसेंट करना पड़ेगा, 92% करना पड़ेगा 22 कैरेट का भाव निकालने के लिए। क्योंकि 92% जो होता है 22 कैरेट की जो ज्वेलरी होती है हॉलमार्क की, उसका जो है प्योरिटी होता है, यानी कि 91.67% होता है, तो हम लोग राउंड फिगर में 92% समझते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों का प्राइस हो जाता है 47,480 रुपीज। तो 47,480 रुपीज ये हम लोगों का 10 ग्राम का प्राइस निकल गया। अब हम लोगों को 1 ग्राम का प्राइस निकालना है तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ये 0 जो है कट कर देना पड़ेगा, तो 1 ग्राम का जो है आप लोगों का प्राइस निकल के आ जाएगा। अब मान के चलिए आप 5 ग्राम की ज्वेलरी कोई भी बाई करना चाहते हैं तो क्या होगा, 4748 इंटू क्या करना पड़ेगा, इसका मेकिंग चार्ज पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि इस ज्वेलरी पे मेकिंग चार्ज कितना लग रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 15% मेकिंग लेके चलता हूँ, वैसे तो 8% से लेके 12% 15% तक मेकिंग होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा हाइएस्ट साइज जो है लेके चलता हूँ कि 15% आप लोगों को मेकिंग लग रही है। तो उस हिसाब से 4748 इंटू 15% अगर हम लोग करेंगे तो कितना मेकिंग हो जाएगा, 712 रुपये पर ग्राम हो जाएगा। कुछ पॉइंट भी होंगे तो पॉइंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो अब मान के चलिए 5 ग्राम की हम लोग ज्वेलरी बाई कर रहे हैं तो 5 ग्राम की ज्वेलरी हम लोगों को कितने में पड़ेगी, 4748 प्लस 712 रुपये पर ग्राम मेकिंग हो गई इंटू 5, यानी कि 5 ग्राम की हम लोग ज्वेलरी बाई कर रहे हैं तो हमारा प्राइस कितना हो जाएगा, 27,300 रुपये। तो ये जो 5 ग्राम की 916 हॉलमार्क की जो ज्वेलरी है आप लोगों को 27,300 रुपये में पड़ेगी। अब दोस्तों हम लोग जो है, अगर मान के चलिए आपके पास 5 ग्राम की पुरानी कोई हॉलमार्क की ज्वेलरी है जो 916 हॉलमार्क है, 22 कैरेट हॉलमार्क है, तो उसका जो है एक्सचेंज या रिटर्न करते वक्त आप लोगों को क्या प्राइस पड़ेगा और किस हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है ये समझ लेते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे 52,000 रुपीज जो है 24 कैरेट का रेट हो गया इंटू 92% हम लोगों को करना पड़ेगा जो प्योरिटी है ज्वेलरी की हमारे, तो क्या प्राइस आ गया, 47480। यानी कि अगर 1 ग्राम का प्राइस निकालना है तो 4748 रुपीज पर ग्राम हम लोगों का प्राइस हो गया। तो 4748 ये जो हमारा प्राइस हुआ इंटू 5 ग्राम हमारे पास ज्वेलरी है तो कितना प्राइस हो जाता है, 23,740 रुपये। तो 23,740 रुपये जो है हमारा एक्सचेंज प्राइस हो जाएगा 22 कैरेट ज्वेलरी का। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन निकालते हैं तो लगभग जो है 3,580 रुपये का हम लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जब मान के चलिए अगर हम लोग कोई ज्वेलरी बाई कर रहे हैं तो मेकिंग चार्ज वगैरह पकड़ के। अब जीएसटी इसके ऊपर दोस्तों ऑप्शनल है, अगर कहीं पे जीएसटी लग रहा है तो 3% आप इसमें जीएसटी ऐड कर सकते हैं, कहीं पे नहीं लग रहा है तो 3% जीएसटी ना ऐड करें। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मान के चलिए आपने आज ही मान के चलिए 5 ग्राम की ज्वेलरी बाई की तो 27,300 रुपये आप लोगों को पे करना पड़ा, और आज ही मान के चलिए अगर आप लोगों ने 5 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी एक्सचेंज की या सेल की तो 23,740 रुपये में हम लोग को ये ज्वेलरी एक्सचेंज में मिलती है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे 3,500 रुपये के आसपास जो है आप लोगों का फर्क आ जाता है। अब ये जो फर्क है आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें तो हमारा लॉस है, तो दोस्तों इसमें आपका कोई लॉस नहीं है क्योंकि आज ही का प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि आज ही आपने ज्वेलरी खरीदी और आज ही आप एक्सचेंज करेंगे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। आप जाहिर सी बात है 1 साल बाद 2 साल बाद में ये ज्वेलरी एक्सचेंज करेंगे या फिर उसको रिटर्न करके कोई दूसरी ज्वेलरी खरीदेंगे, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट ही है, और आगे चल के क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे इसके लिए इसमें आपका प्रॉफिट ही होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 18 कैरेट और 22 कैरेट का जो हम लोगों ने कैलकुलेशन समझा है उस कैलकुलेशन को जो है कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कौन सी ज्वेलरी जो है बेनिफिशियल है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी हो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।